नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली के अवसर पर मैंने बहुत सुंदर तोरण बनाई है और ये तोरण मेरे अपने किचन गार्डन के फूल और आम के पत्तों की है। तो सबसे पहले हम आम के पत्तों को और गेंदे के फूलों को लेकर के आ जाते हैं और आम के पत्तों को हम अच्छे से धोकर सुखा देते हैं और इसकी अच्छी सी सफाई कर लेते हैं और उसमें से जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं उनको हम चुन लेते हैं और पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब इन पत्तों को हम जो है इनकी डंडी को हम काट लेते हैं। देखिए, मैं इस तरह से डंडी को काट लेती हूँ और डंडी के बीचों बीच से जो ये मिड रिब है इसके दोनों साइड से हम पत्ते को इस तरह से काट देते हैं जिसमें बीच की डंडी रहती है। देखिए, इस तरह से हम काट देते हैं और पत्ती को डंडी के ऊपर से इस तरह से डालते हैं और बीच से निकाल लेते हैं और थोड़ा सा खींच लेते हैं इसको इस तरह से, देखिए। और दूसरी वाली पत्ती को भी डंडी के ऊपर से डालते हुए अंदर की ओर को निकाल लेते हैं और ये तीन पत्तियों वाली अच्छी सी सुंदर सी एक फूल जैसी माला बन जाती है। इस तरह से हम और भी ये झूमर बना लेते हैं। और वैसे तो हम आम के पत्तों की भी माला बना सकते हैं और हम आम के पत्तों को जो है गेंदे के फूल के साथ मिलाकर भी अच्छा सा तोरण बना सकते हैं। तो आइए, आम के पत्ते और गेंदे के फूल की एक अच्छी सी तोरण तैयार करते हैं। माला बनाते समय आप अपनी इच्छा के अनुसार दो फूल, तीन फूल और उनके बीच में आम के पत्तों के झूमर को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पांच फूल लिए हैं और पांच पांच फूलों के बीच में मैं ये आम के पत्तों के झूमर को लगा रही हूँ और इस तरह से बहुत सुंदर सा एक तोरण तैयार कर रही हूँ। वैसे तो तोरण कई मौक़ों पर बनाई जाती है, जैसे गृह प्रवेश, पूजा, तीज, त्यौहार आदि। तो आज अपने किचन गार्डन से मैं फूल और आम के पत्तों से ये तोरण तैयार कर रही हूँ। आज जो है बहुत ही शुभ अवसर है, माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी धूप, दीप, नैवेद्य व घर की सजावट से करते हैं और साथ में हम तोरण की तैयारी करते हैं। देखिए, हमारा तोरण भी तैयार हो गया है और कितना सुंदर तोरण लग रहा है। तो आप लोग भी फटाफट अपने घर को सजाने के लिए तोरण बनाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।